अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं, अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव। केंद्र की बीजेपी सरकार को मात देने के लिए देश के विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन बनाई थी। इस गठबंधन को बने महज 5 महीने ही हुए हैं और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान ने तमाम विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। दरअसल बीते गुरुवार को नीतीश कुमार ने पटना के CPI की रैली के मंच से कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि अभी तो इंडिया गठबंधन में काम ज्यादा नहीं हो रहा है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को तो उसी में ज्यादा दिलचस्पी है, कांग्रेस को आगे रखकर इंडिया गठबंधन को बढ़ाने के लिए हम सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको इन सब की चिंता नहीं है, अभी 5 राज्यों के चुनाव में लगे हुए हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये बयान। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा, अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो अभी तो इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं, अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे, आज कल कभी कोई चर्चा नहीं है। वहीं CM नीतीश के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, देश के किसी राज्य में चुनाव हो वो राज्य के लिए गंभीर चुनाव होता है, अभी कांग्रेस का फोकस 5 राज्यों के चुनाव जीतने पर है। नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सत्य है, अभी बहुत फोकस कांग्रेस का इंडिया गठबंधन पर नहीं है, अभी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं, हम सब मिलकर 2024 में भाजपा को जड़ से हटा देंगे। ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो वो कांग्रेस के लिए गंभीर चुनाव होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस का पूरा फोकस उन 5 राज्यों का चुनाव जीतने पर है, तो नीतीश जी जो कह रहे हैं वो सच है एक हद तक कि अभी बहुत ध्यान इंडिया गठबंधन पर कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय सहयोगी हैं जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, ये सब लोग इंडिया गठबंधन का काम देख रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि इनके भरोसे इंडिया गठबंधन की ताकत बनी रहेगी और 24 में मोदी हारेंगे। इधर नीतीश कुमार के बयान के बाद RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार के कहने का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। नीतीश कुमार ने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी व्यस्त है, चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियां बढ़ेंगी। नहीं, इनके कहने का, आदर नीतीश कुमार जी के कहने का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। आदर नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी व्यस्त है। तो अभी जब स्वाभाविक है, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे इसके बाद इंडिया गठबंधन की गतिविधियाँ, बैठकों का दौर, ये सब फिर से प्रारंभ होगा, तो सीट का बंटवारा अंतिम तो यही होना है ना, सीटों के बंटवारों को लेकर के जो बैठकों का दौर होगा, इसके बाद बहुत तरह की कमिटियां बन गई है, वो सब भी बैठकें चल रही है, और विधानसभा चुनाव के बाद फिर इंडिया गठबंधन के बैठकों का दौर चालू होगा और गति आएगी, यही बात आदर नीतीश कुमार जी ने कहा है। क्या लगता है इस तरह की बातें जो है अंदर पब्लिक फोरम पे करना? नहीं, पब्लिक फोरम भाई, यहाँ तो देखिए, यहाँ जो है जो भी बातें हैं पारदर्शिता के साथ है, यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है कि पेट में कुछ मुंह में कुछ, इंडिया गठबंधन पटना हो, बेंगलोर हो, महाराष्ट्र मुंबई में हो, बैठक हुआ ना, सब लोगों ने देखा, कई निर्णय लिए गए, तो अभी चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी व्यस्त है, चुनाव लड़ रही है, इसी को लेकर के आदर नीतीश कुमार जी ने कहा, इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर भाजपा ने तंज कसते हुए कहा कि घमंडिया गठबंधन में कोई तालमेल नहीं है, लालू यादव ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को गर्त में धकेल दिया है, अब नीतीश कुमार का दर्द झलक रहा है। घमंडिया गठबंधन में कहीं कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, नीतीश कुमार को घमंडिया गठबंधन में लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस ने मिलकर के साइडलाइन कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने एक राजनीतिक रणनीति के तहत
नीतीश कुमार को बिल्कुल कोने में धकेल दिया है और नीतीश कुमार अब इस बात को जान भी गए हैं। बहुत सारे ओकेजन्स पे उन्होंने इस बात को कहा और कल तो माले की मीटिंग में उनका दर्द बिल्कुल छलक गया। उन्होंने अपने दिल की बात कही। पहले तो उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए गए और अब उन्हें बिल्कुल कोने में ढकेल दिया गया है। और लालू प्रसाद यादव और राजद बिहार में भी उन पे दबाव बना रहे हैं, हर काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और उन पे दबाव बना रहे हैं कि अब वो संन्यास ले लें और कुर्सी तेजस्वी को सौंप दें। लालू प्रसाद यादव की दबाव की राजनीति का नतीजा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। भले ही भाजपा के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बना लिया हो, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में इन पार्टियों में कोई तालमेल नहीं है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ताजा बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।